managers are threatening to go on strike from the 28th of September. We go across to meet Dilip Chauhan, the Officers Association Secretary of Bank of India, to find out why banks are being forced to go on strike again and again and again. He has raised certain very vital issues, and he says that government policies are actually crippling public sector banks. Let us go across to Dilip Chauhan and talk to him. Sheikh Saab, ये जो 28 फरवरी की बैंकों की स्ट्राइक है, इसमें हमारे जो हम अपोज कर रहे हैं जिन चीज़ों का, भारत सरकार एक तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के प्रति दोहरे मापदंड यूज़ कर रही है, ऐसे ऐसे मर्जर और ये कंसोलिडेशन के नाम पर इस पब्लिक सेक्टर को, बैंक्स को नुकसान पहुंचा रही है, ऐसे ऐसे कानून बना रही है, उनको सर्वाइव नहीं करने देना चाहती है, किसी भी तरीके से वो घाटे पे बने रहे ये सुनिश्चित करना चाहती है। अभी स्टेट बैंक का देखिए, उन्होंने पिछले संसद में पास कर दिया कि सबका मर्जर करके एक बड़ा सा बैंक बना दिया जाए, उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि हर बैंक को 600-600 करोड़ की कैपिटल मार्केट से वो एक्वायर करनी है। अब वो करेंगे, इतना अगर ये करना ही था तो इतना जल्दी क्या थी डिक्लेयर करने की। इसी तरीके से बाकी पब्लिक सेक्टर बैंक्स की भी स्थिति इन्होंने मर्जर और कंसोलिडेशन के नाम पे यही करके रखी है। दूसरा हमारा स्ट्राइक का मुद्दा है ये ट्रेड यूनियन लॉज में, हिंदुस्तान में ट्रेड यूनियन लॉज इस समय 36 या 37 के आसपास है, जो भारत की परिस्थितियों के हिसाब से, समय के हिसाब से बने। हमारी सोसाइटी है कि हमारे यहाँ लड़कियाँ बाहर नहीं जाती हैं, वो हमारे एक्ट में है कि 12 बजे के बाद लेडी को बाहर काम करना ट्रेड यूनियन एक्ट में मना है। लेकिन ये सब ये चीज़ें जो हमारे हैं, ये इनके कॉल सेंटर में मल्टीनेशनल्स जितने बुलाते जा रहे हैं उन सबको नुकसान करती हैं चीज़ें। यहाँ पर है कि 100 से ऊपर अगर आपके यहाँ वर्कर होंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ये उन सबको बदल के वो 300 किए दे रहे हैं। 300 करने से हिंदुस्तान की 75% इंडस्ट्रीज मल्टीनेशनल्स इससे बाहर हो जाएंगे, कॉल सेंटर्स इनके निर्बाध तरीके से चलते रहेंगे। ये मल्टीनेशनल्स और विदेशी संस्थाओं के सपोर्ट करने के लिए यहाँ के सारे ट्रेड यूनियन को, जो एक लंबे समय से हिंदुस्तान की आवश्यकताओं और हमारे ट्रेडिशंस के आधार पर ट्रेड यूनियन लॉज बने थे, उन सबको ख़त्म करके केवल 4 में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ये ट्रेड यूनियन के अधिकारों पर ज़बरदस्त चोट करना चाहते हैं, ये हिंदुस्तान में ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट कर देंगे जिनमें ट्रेड यूनियन का निर्माण असंभव हो जाएगा। केवल हम कॉरपोरेट्स, मल्टीनेशनल्स, इन्हीं के हित का प्रोटेक्शन करते रहेंगे। इसमें एक मुद्दा ये भी है जो हमारी डिमांड है, आउटसोर्सिंग को बंद किया जाए। शुरुआत से जब से हमारा नेशनलाइजेशन है उसमें यही है कि हम कॉन्ट्रैक्ट लेबर को ख़त्म करेंगे, पब्लिक सेक्टर की जितनी भी संस्थाएं हैं इन सब में पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट लेबर को ख़त्म करने का टारगेट था अभी तक, ये पलट दे रहे हैं, ये हर चीज़ को आउटसोर्स कर देना चाह रहे हैं, जिसके लिए एक एम्प्लॉई बैंक में आके सीधे से काम करता है वो इसको 5,000 मिनिमम कॉस्ट पर आउटसोर्स करना चाहते हैं। हम लोग उसके विरोध में नहीं है, लेकिन हम लोग शोषण के विरोध में, इससे शोषण की प्रथा को बढ़ावा मिलेगा। आउटसोर्सिंग को बढ़ावा देके सरकार बने बनाए ट्रेड यूनियन लॉज को ख़त्म करके शोषण की प्रवृत्तियों को बढ़ावा देगी। इसी के साथ कांग्रेस, हम लोगों की डिमांड भी है कि हम लोगों चाहते हैं कि हमारा जो 1 नवंबर 2017 से जो वेज रिवीजन होने जा रहा है उसको समय रहते शुरू किया जाए। पीछे सरकार ने बोला भी कि 1 नवंबर 2017 से जो सेटलमेंट ड्यू है वो इसको हम निर्धारित तारीख से लागू कर देंगे, लेकिन अभी तक कोई भी शुरुआत नहीं हुई है। IBA के जरिए हम लोगों को, अधिकतर बैंक्स ने मैंडेट ही नहीं दिए, 13 बैंक्स ने मैंडेट दिया है IBA को बात करने का। विनोद राय साहब बैंकिंग बोर्ड ब्यूरो के जो कर्ता धरता है वो रोज़ नए नए कमेंट देते हैं, वो बोलते हैं कि बैंक वालों को पैसा कम मिलता है, हायर मैनेजमेंट की बात करते हैं, लोअर मिडिल मैनेजमेंट पे भी वो सहमत है, लेकिन वो डिफरेंशियल पे और वेरिएबल पे की बात करते हैं, वो फिक्स पे की बात नहीं करते हैं। डिफरेंशियल पे आप जानते हो कि छोटी छोटी संस्थाओं में तो किया जा सकता है, और जो वहाँ भी चल भी रहा है वहाँ पर भी आप देखो उसके क्या दशा है। इससे शोषण को और भेदभाव के तौर तरीकों को बढ़ावा मिलता है, जिसका ट्रेड यूनियन और बैंकिंग के जितने भी संस्थाएं हैं वो सब विरोध करती हैं। इसके अलावा डिमोनेटाइजेशन के तहत बैंकिंग, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के ऊपर कॉस्ट आई, 3,000 करोड़ के लगभग पर डे की कॉस्ट आई,
ये कोई गवर्नमेंट नहीं रिएम्बर्स कर रही है। पहले ही बैंक की जो पब्लिक सेक्टर के बैंक्स हैं वो लॉस में चल रहे हैं, वो अपने खुद ही परेशानी अपने जूझ रहे हैं। सरकार हर वो काम कर रही है जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स की अर्निंग को कम करने वाले कार्य हैं। अगर उनके काम कर रहे हैं उसके अलावा डिमोनेटाइजेशन की कॉस्ट का अलग बोझ है, तो हमारे संगठनों की मांग है, या बीओसी की भी मांग है, यूएबीयू की भी मांग है कि डिमोनेटाइजेशन की जो भी कॉस्ट है उसको रिएम्बर्स किया जाए, उसको भारत सरकार के द्वारा बैंकों को दिया जाए। ग्रेच्युटी की सीमा इन्होंने 20 लाख कर दी है, लेकिन अभी पब्लिक सेक्टर्स के लिए इन्होंने भी अभी शुरू नहीं किया है। पब्लिक सेक्टर्स में भी इनको जब संसद में पास करेंगे, पीछे भी इन्होंने जब 10 लाख किया था तब इन्होंने साल भर बाद में किया था पब्लिक सेक्टर के लिए, अब की बार भी वही कर रहे हैं। सारे संगठनों की, ट्रेड यूनियन की, यूबीयू की डिमांड है कि इसको सही समय से लागू किया जाए। रिटायरमेंट पे हमारा एक इशू ये भी मांग है कि रिटायरमेंट के समय पे जो हमको लीव का इनकैशमेंट मिलता है उसको पूरी तरीके से टैक्स एग्जम्पशन रखा जाए, लेकिन जो कि अभी ये मान नहीं रहे, ये हमारी ये भी डिमांड है। पिछले जो सेटलमेंट हुआ था उसमें रिटायरीज के सारे मुद्दे छोड़ दिए गए थे, डीए का न्यूट्रलाइजेशन है, पेंशन का अपडेशन है, और भी तमाम सारे रिटायरीज के मुद्दे हैं। जो हमारी पुरानी पेंशन स्कीम है वो नए साथियों को एक ऑप्शन देने की मांग है कि वो नए में रहना चाहते हैं कि एनपीएस में रहना चाहते हैं, ये भी हमारी डिमांड है। जो हमारे रिटायरी साथी हैं उससे संबंधित ये डिमांड तो हमारा प्रयास है, हमारी तमाम तरीके की डिमांड्स हैं, और हम सरकार से यही आशा करते हैं कि उन सबको समय रहते पूरा करेगी और हमारा सेटलमेंट या बाकी डिमांड्स को पूरा करके